लोहा मंडी के सराफ बाजार पे शनिवार 3 बजे तीन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पे आए बदमाश व्यस्ततम बाजार में घुसे और सराफा ज्वेलर्स नारायण दत्त अग्रवाल के 6 सोने की चीने छीन के ले गए। हालांकि राहगीरों ने स्थानीय दुकानदारों ने बदमाशों को पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की जिसमें 4 लोग घायल बताए गए हैं। ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं, लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन लाके उनको दिखा रहे थे, तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था, उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है, और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़भाड़ वाला स्थान है, तो 1-2 लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया, जिनके पैर में इंजरी है। अभी तक की जो जानकारी है, SN मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा है, वो आउट ऑफ डेंजर है, जिनको बुलेट इंजरी हुई है, लेकिन यहाँ से भागने के बाद ये पता चल रहा है कि शायद संभवतः ये 3 लोग थे जो एक मोटरसाइकिल पे थे, जिन्होंने यहाँ लूट की घटना की है और उसके बाद फायरिंग की है। टीमें अलग अलग फॉर्म कर दी गई हैं, सभी तरीके से हमारा प्रयास होगा, क्योंकि इतने व्यस्तम बाजार में उन्होंने घटना की है, तो जल्द से जल्द हम इसमें इस घटना को वर्कआउट करेंगे, और जो भी बदमाश इसमें इन्वॉल्व होंगे, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, उन सब की के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे कमिश्नर पितेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में 6 पुलिस की टीमों को गठन किया गया है, वही बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हालांकि CCTV फुटेज से बदमाशों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। दैनिक जागरण के साथ तारा चंद्रा आगरा।